क्या हालचाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं जल्दी से अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अपडेट्स हैं। न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की गवर्नमेंट ने जो जॉब फेयर किया है आप लोगों के लिए अरेंज, उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। बेसिकली अब वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो लाइव जाएंगे सेमिनार के लिए ऑन द 18th of January। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दीज डेट्स बिकॉज इसमें ये होगा कि अगर आप लोगों ने ईमेल भेजी है तो फिर आपने उस ब्राउजर के थ्रू जाना है और आपने सीधा सीधा उनके साथ बैठना है, उन्हें देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों आपने आना है, किस कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। ये वीडियो बहुत काम की होने वाली क्योंकि मैं एंड में आपको बताऊंगा क्या तीन मेन क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ के रिक्रूटर्स पूछते हैं, कैनेडियन रिक्रूटर्स आपसे सवाल पूछते हैं। अगर मैं बात करूँ मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया की, वहाँ पर ये सवाल नहीं पूछे जाते और हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि इनके जवाब कैसे दें, तो ये जवाब मैं आपको बताऊंगा। और ये सवाल भी जो तीन मेन क्वेश्चन जो आई बिलीव कि वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे अगर आप इंटरव्यू तक जाते हो, तो आप उसके लिए तो रेडी होना ही होना है आपने। इसके अलावा मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि क्या चेंजेस हैं। बेसिकली 18 तारीख से 18th of January से ये लोग सेमिनार शुरू करेंगे। आपको वैसे तो 24th को भी आपको आएगी एक ईमेल अगर आप सिलेक्ट होते हो, पर 18th से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है गाइस। तो इसलिए कीप एन आई ऑन योर ईमेल्स, बहुत ज़रूरी है आप अपने ईमेल्स को चेक करते रहें क्योंकि आपको कभी भी ईमेल आ सकता है अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो अगेन, ये प्रोग्राम किस रीज़न से बना है? ये प्रोग्राम इस रीज़न से बना है ताकि आप डायरेक्टली रिक्रूटर से कनेक्ट हो सके। कनाडा की गवर्नमेंट को अभी बहुत सारे इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे वर्कफोर्स चाहिए इन लोगों को। मैं अभी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो एज अ स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, उनकी एक अलग स्ट्रगल है, अलग स्टोरीज़ हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको वर्क परमिट दिलाएगी और उसके बाद सीधा सीधा PR परमानेंट रेजिडेंसी, उसका अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आगे जाके पासपोर्ट्स के अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसको आप दोनों चीज़ों से कन्फ्यूज़ नहीं करें। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो दिस इज़ द राइट एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। चाहे आप कतर से सुन रहे हो, चाहे आप दुबई से सुन रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान से सुन रहे हो, चाहे आप मुझे इंडिया से सुन रहे हो, अभी ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि CV आपने किस तरह बनानी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्होंने पूरा टेम्पलेट दिया हुआ है, आपने उसी तरह वो टेम्पलेट बनाना है। और उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने, तो आप वो वीडियो जरूर देखें जो कि पहली वीडियो थी मेरी न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के बारे में। और ये प्रोग्राम बनाई इसलिए कि जब आप लाइव जाओगे तो आप इमिग्रेशन के प्लान, इमिग्रेशन का प्रोसेस पूरा वो आपको समझाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट अप्लाई जरूर करो, मैं आपको ये बोलूंगा अगर आप आना चाह रहे हो कनाडा। फिर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसा मैं अभी अगर स्क्रॉल डाउन करूँ, मैं आपको बताऊं कि देखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आप अगर जाते हो तो उसमें लिखा है व्हाट डॉक्यूमेंट्स माइट आई नीड टू अप्लाई टू इमिग्रेट टू न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। इसके अंदर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं, आप ये पढ़ लो। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या चीज़ें जमा करानी है, तो इसमें साफ साफ रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। अगर आपने IELTS ऑलरेडी पास किया हो तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन नंबर 7 से मिलेगी। फिर एक और बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या मैं परमानेंट रेजिडेंट बन सकता हूँ। तो ऑफकोर्स ये प्रोग्राम डिज़ाइन ही ऐसा किया इन लोगों ने कि आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हो वर्क परमिट पर। अगर आप लैंड करते हो आगे जाके एक साल बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। न्यूफाउंडलैंड में इनको लोगों की ज़रूरत है। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए अमेजिंग है क्योंकि आपको ऑलरेडी जॉब मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर आके जॉब ढूंढनी नहीं पड़ रही, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर किया होगा जो कि न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंस में, क्योंकि आपको वो स्ट्रगल से नहीं गुजरना पड़ेगा। इमिग्रेशन लेके जब लोग आते हैं और लैंड करते हैं तो उनके पास जॉब्स नहीं होती, सबसे पहला मसला यहाँ पे आता है, जो आजकल की भी आपने नेगेटिविटी सुनी होगी कि जॉब्स नहीं है। तो फिर तो ये बेस्ट प्लान है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी जॉब होगी, यहाँ पर आके आप काम भी करें, आप कल्चर को भी समझें, उसके बाद आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप 10 क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या फीसेज वगैरह जमा कराने पड़ेंगी। तो अगेन उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि शुरू के प्रोसेस में आपको फीस नहीं जमा करानी, वो सिर्फ उस प्रोसेस में करानी है जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। और फीसेज भी उसी लाइव सेशन में आपको बताई जाएंगी, तभी कह रहा हूँ वो सेशन के लिए एटलीस्ट आप रजिस्टर करो, एटलीस्ट आप यहाँ पर साइन इन करो, अपनी CV वहाँ पर अपलोड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्का मत लें कि अंदर सेशन में जब वो आपको बताएंगे कि आपकी तरफ से क्या फीसेज आने वाली हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको लाइव सेशन में ही जाकर पता चलेंगी, बट प्लीज आप रजिस्टर तो करो। 11वां क्वेश्चन ये कि भाई मैं क्या कनाडा चूज करूं और न्यूफाउंडलैंड अपनी डेस्टिनेशन चूज करूं। तो ऑफ कोर्स आप वो चूज करें। अभी मैंने न्यूफाउंडलैंड का टेम्परेचर देखा था, 1 डिग्री का टेम्परेचर था, लाइक थोड़ा बहुत माइनस में। जहां मैं रहता हूं कैलगरी में, यहां पे अभी इस वक्त -33 फील्स आए गए, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो उसके मुकाबले में न्यूफाउंडलैंड का टेम्परेचर तो अच्छा है, पर वहाँ पे भी ठंड होती है। तो अगर आपने देखना है कि ठंड में कैसे सर्वाइव करना है और ठंड में रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है, तो मैंने उसकी वीडियोस सारी बनाई हैं। आजकल लेटेस्ट वीडियोज़ भी मेरी लगी हुई हैं, कल की भी वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ ठंड के बारे में दिखा रहा हूँ एंड हाउ टू सर्वाइव। और बाहर जाके मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ, फील्स आई भी करा रहा हूँ कि किस तरह फील होता है यहाँ पे ठंड में। वो वीडियो ज़रूर वॉच करें अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। और हाँ, ये ओवरऑल ठंडा मुल्क है, तो प्लीज़ ये आप सोच समझ के आएँ, अपनी रिसर्च पूरी करें। और मेरी वीडियोस में काफी हद तक मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप कि आपको उससे फायदा हो। डू वॉच दिस प्लेलिस्ट, ये आपको हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग अंदर फॉर श्योर।
तो मैं आपको मेन तीन बहुत जबरदस्त टिप्स देता हूँ कि शुरू में आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे और आपने उनके जवाब कैसे देने हैं। ये बेसिकली ज्यादातर कैनेडियन इंटरव्यूज में ऐसे ही होता है कि शुरू में आपसे तीन क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो कि बहुत कॉमन है और मुझे लगता है कि लाजमी वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसकी तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार करें और उसी स्क्रिप्ट पे रहें और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि जब वो आपसे सवाल पूछें तो आप जरा से भी कंफ्यूज ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल लगता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन लगता तो बहुत सिंपल है, पर आपने इसका ये जवाब नहीं देना कि मेरा नाम यूनस है, मैं जो हूँ सुबह इतने बजे उठता हूँ और मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी ये रूटीन है, मेरा पैशन जो है वो बुक रीडिंग है। ये आपने इस तरह के जवाब नहीं देना, आपने बहुत सोच समझ के जवाब देना है। इसमें आपने बेसिकली उनको ये बताना है। तो अगर आप स्टार्ट इस तरह करेंगे, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, पहले तो आपने उनको इस तरह मुखातिब करना कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो मैंने इस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि मैं इस जॉब पर पूरा पूरा उतरता हूँ, इस रीज़न से क्योंकि मैं एक बहुत इंडस्ट्रियस, रिजल्ट ड्रिविंग एंड हार्ड वर्किंग बंदा हूँ। आप चाहे इस तरह कीवर्ड्स को गूगल करें, कीवर्ड्स ढूंढें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस तरह के वर्ड्स दे सकें कि मैं यू नो बहुत पैशनेट हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मेरा जो है इस तरह का एक लाइफस्टाइल है, मैं इतनी इतनी कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। और आपने शुरू करना अपनी जो लेटेस्ट कंपनी थी कि मैं इस कंपनी में ये काम कर रहा हूँ, मेरी ये अचीवमेंट्स है इस कंपनी में, फिर इससे पहले वाली कंपनी में मैंने इस तरह काम किया था, इतने सारे लोगों से डील किया था, मैं मैनेजर था या मैं जो भी वहाँ पे काम करता था, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था। आपने उनको सारी अपनी हिस्ट्री टॉप से बॉटम पर लेके जानी है, पर इसमें आपने अपने पर्सनल शौक नहीं बताने, इसमें आपने अपनी कोई पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं बताना है, इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि आप कितने बड़े हाई अचीवर हैं और कितना कितना आपने फायदा कराया कंपनी को। बड़ा सिंपल सा सवाल है पर बहुत ट्रिकी है, इसी के अंदर आपने उनको इंप्रेस करना है। इस सवाल की बार बार प्रैक्टिस करें, आई एम 100% श्योर वो शुरू में आपसे जरूर ये पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे लाजमी पूछ सकते हैं कि भाई व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। आपने उनको बताना है कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री, और फिर आपने उनको बताना है कि मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च करी है और मुझे इससे पता चला है कि मैं इस कंपनी में आके समझे आप चार चांद लगा सकता हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे काम कर सकता हूँ लोगों से कोलैबोरेट करके, उनसे जल्द से जल्द सीख के, क्योंकि जितने भी सीनियर्स हैं मैं उनसे सीखूँ या जो मेरे साथ के भी होंगे उनसे भी मैं सीखना चाहूँगा क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च करा है और मुझे पता है कि बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे लाइक माइंडेड लोग हैं। तो आपने उनको इस तरह दिखाना कि आपने ऑलरेडी बहुत रिसर्च करी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने उनको ये दिखाना कि मैंने इसके बारे में जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि बहुत चैलेंजिंग जॉब भी है और ये जो चैलेंजेस हैं ये बेसिकली मुझे मेरे स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे और मुझे पुश करेंगे मेरी लिमिट्स तक और इस चीज़ से ही मैं सेटिस्फाई होता हूँ। मैं इसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ जिंदगी में, जॉब सेटिस्फेक्शन को, एंड आई बिलीव कि ये मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन को पूरा करेंगे। तो इसलिए आपने उनको अच्छा सा जवाब देना है पूरी रिसर्च के साथ, एंड मेक श्योर कि आपने कंपनी के बारे में रिसर्च भी करी हो जब आपका इंटरव्यू हो। फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे जो कि सिंपल है बट ट्रिकी है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि भाई आई एम कमर्शियली अवेयर, आई एम अ फोकस्ड पर्सन एंड आई एम अ गुड कोलैबोरेटर। ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको दिए, आप इस तरह के हजारों पॉइंट्स अपनी फील्ड से रिलेटेड भी ढूंढ सकते हैं। तो आपने इस तरह के कीवर्ड जरूर यूज करना अपने इंटरव्यू में, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है एम्प्लॉयर पे और वो सोचता है कि यार वाकई इस बंदे को ये बातें पता है और ये बातें सही कह रहा है। आपको मतलब रिसर्च आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और जो कीवर्ड्स हैं वो आपने जरूर यूज करने हैं। फिर आपने उनको ये भी बताना है कि मैंने जिस तरह पिछली जॉब्स में किस तरह कंपनी को फायदा दिलाया, मतलब कि मैंने, आपने उनको ये नहीं बताना कि भाई मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं जो हूँ बहुत देर तक रात तक काम कर सकता हूँ, नहीं, आपने उनको बताना कि मैंने किस तरह कंपनी को फायदे कराए। आप खुद वो आंसर्स निकालें अपनी जॉब से जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उससे आपको ये पता चल जाएगा यार हाँ मैंने इधर फायदा दिलवाया था इधर। तो आपने वो एक स्क्रिप्ट अपने लिए तैयार करनी है जिसमें आपने उनको दिखाना है कि आपने कहाँ कहाँ कंपनी को फायदा दिलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनेडियन रिक्रूटर्स ये मांगते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप कितने काबिल हैं या कितने काम के बंदे हैं क्या हम आपको हायर करें, अदरवाइज दे विल नेवर हायर यू। अगर आपके इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन के आंसर अच्छे नहीं हुए मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको हायर नहीं करेंगे। फिर वो ये भी पूछेंगे साथ में कि भाई व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपने अपनी वीकनेसेस ज्यादा नहीं बतानी, सिर्फ एक वीकनेस आप चूज कर लें और उस पर भी आपने आखिर में बोलना है कि मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैं इसको पूरा कर दूंगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं वीकनेस की, आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग बंदा हूं और मुझे किसी को नो नहीं करना था। ये बड़ा एक सिंपल सा आंसर है बेसिकली, पर ये बहुत काम का आंसर है। आप बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट से नो टू एनीवन, और आपने ये बताना कि इस ना करने की वजह से जो मैं किसी को कर नहीं सकता इससे मुझे क्या फर्क पड़ा लाइफ में, कि मैंने ज्यादा स्ट्रेस लिया, मैंने बहुत देर देर तक काम किया और मैंने अपने आप को ओवरबर्डन किया। तो अब आपने उनको ये बताना कि मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये ट्रेन करूँ अपने आपको कि मैं कितना काम किसी से लूँ और उसको फिर जितना एक्स्ट्रा काम होगा उसके लिए उसको मना कर दूँ बहुत पोलाइटली, और इस पे मैं आप काम कर रहा हूँ और ये मेरी एक वीकनेस है जो कि मैं आप रिजॉल्व कर रहा हूँ। पर आपने उनको ये वीकनेस नहीं बतानी कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मैं लेट आता हूँ काम पर, ऐसी कोई वीकनेस, कोई पर्सनल वीकनेस नहीं बतानी। आपने उनको ऐसी वीकनेस बतानी है
जिसमें उनको यही लगे कि ये बेसिकली एक पॉजिटिव वीकनेस है। आप समझ रहे हैं, अब वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आई नो बहुत क्रिएटिव लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपने खुद क्रिएट करना है अपना स्क्रिप्ट। ये तीन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लें, इसके ऊपर तैयारी कर लें अगर आपको वाकई कनाडा में जॉब चाहिए। तो इस प्रोग्राम में जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज। जिसने कनाडा आना है, नेगेटिव लोगों की तरफ मत जाएं जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। जिसका जो गोल है उसने वो हासिल करने करना है। कनाडा की लाइफ अगर आपने देखनी है, आप मेरी लाइफ मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि मेरी किस तरह की लाइफ है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना बुरी कंट्री है, कितनी अच्छी कंट्री आजकल एक मीडिया में फैला हुआ है। बट अगर आपने आना है, आपका एम है, जो टारगेट है वो आप पूरा करें। गोल आपका होना चाहिए ज़िंदगी बेहतर करने का, पासपोर्ट की आपको पता है क्या वैल्यू है यहाँ पे, और इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल की भी क्या वैल्यू है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। चाहे जैसा मर्जी वेदर है, चाहे जैसी मर्जी महंगाई है, पर अगर आप एक अच्छे वीज़ा स्टेटस पर आ रहे हैं तो आपकी क्वालिटी लाइफ सिर्फ बेहतरी होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो मेरी बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, और इसके अलावा आपके साथ मैं वीडियोज़ शेयर कर रहा हूँ लिंक नीचे जो आपके काम आएंगे। तो टेक केयर, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।